बरेली जनपद में मादक पदार्थों की अवैध रूप से तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को थाना सीबी गंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 20 ग्राम स्मैक बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण में थाना सीबी गंज पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान परधौली चौराहे पर हाईवे से दो अभियुक्त अफरोज पुत्र रहीश अहमद निवासी ग्राम मथुरापुर थाना सीबी गंज और दूसरा नदीम पुत्र यूनुस निवासी ग्राम मथुरापुर थाना सीबी गंज को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 10-10 ग्राम स्मैक व एक मोबाइल सुपर स्प्लेंडर रंग काला बरामद हुई। जिसके बारे में पूछने पर अभियुक्तों ने बताया कि वे स्मैक को तिलियापुर में बेचने के लिए जा रहे थे। थाना सीबी गंज में NDPS एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार चेकिंग के दौरान उप निरीक्षक इंद्रपाल सिंह, कांस्टेबल चंद्रपाल और अजय सिंह मौजूद थे। मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में शासन स्तर से और थाना बरेली की सीबी गंज की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसमें मथुरापुर रहने वाले दो लोग अफरोज और नदीम, ये लोग दूसरों को स्मैक बेचने का काम करते थे और खुद भी इसमें संलिप्त रहते थे। उनका नेटवर्क तलाशा जा रहा है कि कहां कहां से वो लेकर आते थे और किस किस को वो सप्लाई करते थे। इनके पास से थोड़ी सी मात्रा बरामद हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है जब इस पर कार्रवाई की जाएगी SOG और थाना प्रभारी द्वारा, तो और भी अधिक इसमें जानकारी मिलेगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले दिनों यहाँ पर कार्रवाई में पकड़े गए हैं जनपद बरेली की ओर से। इनको नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से जो जनरल अमाउंट होती है उससे ज़्यादा इसमें प्राप्त किया गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।